तो वही रांची के अनगढ़ा में मुबारक खान की भीड़ के हाथों हुई हत्या के मामले में परिजनों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। तो वही विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। भीड़ के अंधे आक्रोश का बना शिकार, चोरी का आरोप लगाकर ली गई जान, मुबारक की मौत अब मांगे इंसाफ। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात चोरी के आरोप में मुबारक खान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उस पर बाइक का टायर और बैटरी चोरी करने का आरोप लगाया गया और फिर खंभे से बांधकर बेतहाशा पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई। अब उसके परिजन सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मुबारक खान की पत्नी अपने विधानसभा परिसर पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में साजिश की आशंका जाहिर कर न्याय की मांग की। यही चाहते हैं सर कि मेरा बच्चा का भविष्य सुधर जाए और दोषी को सजा मिले, बस हम चाहते हैं। परिवार को पालेंगे, छोटा सा बच्चा है, बस सीएम से मदद चाहते हैं। वही विपक्ष ने इस मामले को लेकर न सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, बल्कि सत्ता पक्ष पर भेदभावपूर्ण रवैये का भी आरोप लगाया है। सरकार इतनी कमजोर है या स्पष्ट दिखता है, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना था, जिन्हें अपराधियों को पकड़ना था, वैसे जो पुलिस महकमे के लोगों को वसूले में सरकार ने लगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों के परिजन को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, किसी की भी हत्या हो तो मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करके और सभी के परिजन को समान रूप से उनको जो है सरकार की ओर से मुआवजा मिलनी चाहिए। वही रांची में पिछले कुछ दिनों में मॉब लिंचिंग की दो दो घटनाओं से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष पर भी जवाब देने का दबाव है। मुबारक की पत्नी की गुहार पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। पूर्व की सरकार में आपने देखा होगा कि जो हत्यारा है उसको भाजपा के लोगों ने माला पहनाया, उसी के कारण ये मनोबल बढ़ गया। मुबारक के परिजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय की आस लगाई है। उम्मीद है सरकार उनका भरोसा टूटने नहीं देगी। मनीष मिश्रा, जी मीडिया, रांची।